महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए अशोभनीय टिप्पणी करने के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने जबलपुर के मालवीय चौक पर अधीर रंजन चौधरी का पुतला दहन किया और जोरदार नारेबाजी करते हुए अपना विरोध जताया। पूरा देश जान रहा है हमारी नव निर्वाचित राष्ट्रपति महोदया जो आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनके खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी, जो अधिरंजन, जो कांग्रेस के जो लोकसभा के सदस्य हैं उनने जो की है, तो भारतीय जनता पार्टी यहां पर आज मांग कर रही है कि सबसे पहले तो ये जो अधिरंजन चौधरी है इनकी सदस्यता समाप्त की जाए, और दूसरी बात कांग्रेस पार्टी की जो अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, वहां पर उनकी पार्टी का व्यक्ति एक राष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पद पर बैठी हमारी जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, राष्ट्रपति जी उनका अपमान करते हुए, वो केवल उनका अपमान नहीं है, ये 125 करोड़ जनता का अपमान है। और इस प्रकार का जो कृत्य, इस प्रकार का जो काम किया गया है, ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस बात का विरोध करती है, पूरा देश इस बात का विरोध करता है। ये महिलाओं के सम्मान के खिलाफ है, जनजाति वर्ग के सम्मान के खिलाफ है, और इतना ही जो हमारा सुप्रीम ऑफ द नेशन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके भी खिलाफ है, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन के मूल भावना के खिलाफ बात होगी तो हिंदुस्तान उसको बर्दाश्त करने वाला नहीं है। और इस प्रकार की बात के लिए महिलाएं, आज हमारे भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं पूरे प्रदेश भर में, देश भर में मूवमेंट तो करेंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आम जनता भी इस बात से नाराज है। इसलिए कांग्रेस को और आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष जी को भी हमने कहा कि कांग्रेस इस पर विचार तो करे, माफी मांगे, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष जी भी इस मामले में निर्णय लें, ये निवेदन भी हमने किया। देखिए, हमें ऐसा लगता है कि जहाँ जिस परिवार में या जिस पार्टी में महिलाओं का सम्मान नहीं होता है, वो चीजें गर्त में जाना है, उस परिवार को, उस पार्टी को, वो हर एक व्यक्ति गर्त में जाता है जो महिलाओं का सम्मान नहीं करता। और हमें ऐसा लगता है जो आज कांग्रेस पार्टी की जो हालत है देश में, कांग्रेस मुक्त भारत होता जा रहा है, उनकी यही हरकतें हैं। उन्होंने कभी भारत की किसी नारी का सम्मान नहीं किया है। आज देश की जो सर्वोच्च पद पर बैठी है हमारी बहन राष्ट्रपति जी, जिनका भारतीय जनता पार्टी ने इतना सम्मान किया है, उन्होंने उन्हें राष्ट्रपत्नी बोला, क्या है उनके घर की महिलाओं को क्या बोला जाएगा, परिवार पत्नी, उनकी रिश्तेदारियों को क्या बोला जाएगा। कांग्रेस का बच्चा बच्चा, एक एक छोटे से लेके बड़ा कार्यकर्ता बहुत संस्कार विहीन है, और महिलाओं की कभी वो इज्जत नहीं करता है। आज उनकी दुर्दशा का कारण यही है। आज क्या मांग कर रहे हैं? आज हम लोग ये मांग करते हैं कि अधीर रंजन चौधरी जी को कांग्रेस से बर्खास्त किया जाए और उनका गंगा जल से स्नान करवाया जाए। उन्हें गंगा जी में स्नान करना चाहिए, अपनी जवान को धोना चाहिए और जो पाप धोना चाहिए जो उन्होंने एक आदिवासी सर्वोच्च पद पर बैठी हमारी महिला का किया है। दोस्तों, न्यूज ट्रैक लाइव के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस करें।